हेलो एवरीवन, आज मैं आपको स्टडीज, अटेंशन, अबाउट टर्न एंड फॉरवर्ड मार्च की पोजीशन बताऊंगा, जिसको आप अच्छे से देखिए और फॉलो करिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं स्टडीज के साथ। स्टडीज में अपने दोनों पैर खुले रहते हैं, जितने आपके शोल्डर हैं उतने आपके पैर खुले रहेंगे। हाथ की पोजीशन पीछे, तो सबसे पहले आप फ्रंट पोजीशन देख लीजिए। इसके बाद ये हमारे हाथ की पोजीशन थी। स्टडी और अटेंशन दोनों कार्रवाई एक दूसरे के बाद होती है, तो शुरुआत करते हैं अटेंशन। अभी हम स्टडी पोजीशन में हैं, अब वर्ड ऑफ कमांड आएगा अटेंशन। अटेंशन के लिए हमको जो भी प्रोसीजर है वो ध्यान से देखना है। वर्ड ऑफ कमांड स्टडीज के बाद अटेंशन। इसमें दोनों पंजे की हील मिली रहेगी, पंजा आगे से खुला रहेगा, आपके हाथ दोनों बिल्कुल आपकी पैंट की सिलाई के पास, बिल्कुल लाइक दिस। स्टडीज अटेंशन, स्टडीज अटेंशन। एक बार और इसको मैं स्लो मोशन में दिखाऊंगा। स्टडीज अटेंशन, स्टडीज अटेंशन। जब आप अटेंशन है, इसके बाद में आपको कोई भी वर्ड ऑफ कमांड मिलेगा, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न। तो शुरुआत करते हैं राइट टर्न के साथ। वर्ड ऑफ कमांड राइट टर्न। एक बार और वर्ड ऑफ कमांड राइट टर्न। इसी के बाद लेफ्ट टर्न का प्रोसीजर देख लीजिए। वर्ड ऑफ कमांड लेफ्ट टर्न। फिर देख लीजिए वर्ड ऑफ कमांड लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। जिधर भी आप करेंगे, जिधर आप मुड़े हैं उसके अपोजिट लेग को आपको बीट पर मारना है। मैं राइट टर्न कर रहा हूं तो मैंने लेफ्ट लेग मारा है, जब मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूं तो मैंने राइट लेग मारा। इसके बाद वर्ड ऑफ कमांड आता है अबाउट टर्न। अबाउट टर्न के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने राइट हैंड साइड से ही अबाउट टर्न करना है। नाउ अबाउट टर्न, वन मोर टाइम, अबाउट टर्न। जो भी अबाउट टर्न करना है उसको बहुत ध्यान से देखिए। अबाउट टर्न, अबाउट टर्न। इसके बाद में आपको वर्ड ऑफ कमांड मिलेगा फॉरवर्ड मार्च। फॉरवर्ड मार्च में मैं आपको चार पांच स्टेप चल के दिखा रहा हूं, ताकि आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाए। जब भी हम फॉरवर्ड मार्च स्टार्ट करेंगे वो हम लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। वर्ड ऑफ कमांड फॉरवर्ड मार्च, 1 2 3 4 5। जहां भी आपको रुकना है, अब मैं इसको आपको साइड पोज से दिखा रहा हूं। फॉरवर्ड मार्च, 1 2 3 4 5 6, जहां भी आपको रुकना है। इसके बाद हम लोगों को जो भी चीफ गेस्ट है या कोई अतिथि है उससे कुछ रिसीव करना है या उससे रिसीव लेकर वापस आना है, वो प्रोसीजर और देख लीजिए। मान लीजिए इस लाइन के पास मुझे रुकना है, तो कोशिश करूँगा कि वहाँ मेरा राइट लेग आए, उसके बाद लेफ्ट थंब। इसके बाद जहाँ मैंने थंब कराए उसके बाद मुझे राइट लेग फॉलो करना है आगे की तरफ, लेफ्ट थंब। वापस जाने के लिए राइट लेग पीछे ले जाना है, लेफ्ट थंब। आशा करता हूँ आप लोगों को लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कंफ्यूजन में मेरे पर्सनल नंबर पर मुझसे संपर्क करें।